हेलो गाइस, गुड इवनिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू जिनका भी NCVAB में एडमिशन हो चुका है और आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में कदम रख चुके हैं. दूसरा, जिनका भी एडमिशन नहीं हुआ है, आई विश स्पेशल ड्राइव जब आए तो आप लोगों का भी एडमिशन हो जाए. अब जिन जिन लोगों का एडमिशन हो चुका है उनके पास बहुत सारे सवाल हैं, जैसे कि आपकी क्लासेस कब स्टार्ट होंगी, आपका जो सिलेबस है वो किस तरीके से होगा, एग्ज़ाम पैटर्न किस तरीके से होगा, आपको स्टडी किस तरीके से करनी है, बुक्स कब मिलेंगी, ये सारे बहुत सारे आप लोगों के पास क्वेश्चंस हैं. ऑब्वियसली आप सब फ्रेशर्स हैं, आपके पास क्वेश्चंस होना भी लाजमी है. देखिए, अब सिलेबस की अगर हम बात करें तो NCVAB ने अपनी वेबसाइट पर पहले से ही वो सिलेबस अपलोड करती है, लेकिन इन दिनों देखा जा रहा है कि अगर NCVAB की वेबसाइट पर जाएं तो वहाँ पर सिलेबस अपलोड नहीं है. ठीक है, तो अगर आपकी क्लासेस वगैरह जब शुरू होंगी तो आपको वो सिलेबस अपडेट दे दी जाएगी, सिलेबस आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा. ठीक है, अभी एडमिशन भी कम्प्लीट नहीं हुआ है तो एग्ज़ाम्स की आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. एग्ज़ाम की तैयारी के लिए या फिर चीज़ों के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके पास सिलेबस के साथ साथ क्वेश्चन पेपर होने चाहिए. आप क्वेश्चन 3, 4, 5 करीबन 5 ईयर के आप क्वेश्चन पेपर आप अपने पास रखिए, आपका जो भी सब्जेक्ट है. जब आप क्वेश्चन पेपर रखेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ आपको किस मतलब कि किस तरीके से पढ़ना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. ठीक है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम लिखना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव होते हैं, क्वेश्चन हैं, कॉन्सेप्ट हैं, चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा रिपीट की जाती हैं. ठीक है, तो आप लोगों के पास अगर क्वेश्चन पेपर होंगे तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है क्वेश्चन से रिलेटेड में बहुत अच्छी बन जाएगी. अब प्रिपरेशन किस तरीके से की जाएगी, जब भी आप क्वेश्चन देखेंगे तो कोशिश करिए कि आप अपने नोट्स प्रिपेयर करें. ठीक है, मान लीजिए अगर आपने हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन देखा, मॉडर्न इंडिया में 1857 का कोई क्वेश्चन है, उस पर ये टॉपिक है, उस पर कोई क्वेश्चन है, तो आप अपना आंसर प्रिपेयर कर लीजिए. और आंसर प्रिपेयर करने के लिए आपको उसका पैटर्न पता होना चाहिए कि आपका पैटर्न किस तरीके से होने वाला है, या फिर आपको आंसर राइटिंग क्या करनी, किस तरीके से करनी है. आंसर राइटिंग का तरीका आपका अच्छा होना चाहिए, तभी आप जो स्कोर करेंगे वो अच्छा करेंगे. क्योंकि क्वेश्चन जब सेम होते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो सभी लोगों को आइडिया होता है कि आपको क्या लिखना है, लेकिन आपका जो आंसर राइटिंग है वो आपके आंसर को एक अलग मोड़ देती है, एक अलग तरीका बताती है. तो बहुत ज़रूरी है आपका आंसर राइटिंग के लिए. दूसरी बात, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज़ की प्रिपरेशन के लिए कि उन्हें शुरू से उनके माइंडसेट में होता है कि उन्हें UPSC करनी है या फिर उन्हें बाकी एग्ज़ाम्स हैं उनके पैटर्न की तैयारी करनी है, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि इंपॉर्टेंट चीज़ें ना करें, कंप्लीट अपना स्टेप बाय स्टेप सिलेबस करें, उसे अच्छी तरीके से समझें और चीज़ों को आराम से लेकर चलें. अभी आपके पास 3 साल हैं, बहुत लंबा टाइम पीरियड है, आप इसे अच्छे तरीके से करना चाहें तो कर सकते हैं. हिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी खबर है कि अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं NCVAB में, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, किसी में भी अगर हैं, तो उनके लिए जो ग्रुप है टेलीग्राम पर, वो ग्रुप बना दिया गया है. उसमें आपको आपकी रीडिंग्स प्रोवाइड कराई जाएंगी, आपको गाइडेंस दी जाएगी कि आंसर राइटिंग किस तरीके से करनी है, आपको बताया जाएगा कि आपका सिलेबस में क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, सिलेबस आपका कवर कराने की कोशिश करी जाएगी. ठीक है, क्योंकि NCVAB क्या है, आपका रेगुलर कॉलेज नहीं है. ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, रेगुलर कॉलेज में, जैसे हमारे टाइम पर क्या होता था, हम रेगुलर के स्टूडेंट थे तो हमें कोई भी प्रॉब्लम होती थी हम फॉरेन टीचर्स के पास चले जाते थे और ऑब्वियसली वो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते थे. ये हमारे पास बहुत अच्छा चांस होता था, या फिर बहुत एक मान लीजिए एक लक्की चीज़ है हमारे लिए. लेकिन जो नॉन के स्टूडेंट्स होते हैं उनके साथ प्रॉब्लम क्या होती है, उनके पास ये चांस नहीं होता कि वो कभी भी अपने टीचर्स के पास चले जाए, क्योंकि रेगुलर स्टूडेंट्स आप नहीं होते, आपका जो बॉन्ड है प्रोफेसर से वो इतना ज़्यादा बॉन्ड बिल्ड नहीं हो पाता, और क्योंकि जो क्लासेज होती हैं वो बहुत लिमिटेड क्लासेज होती हैं, तो फिर आपके जो डाउट्स हैं वो डाउट्स अनक्लियर रह जाते हैं. ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप शुरू से ही पढ़ना शुरू करें, या फिर है ना चीज़ों को देखना शुरू करें, लास्ट मोमेंट पे मत बैठिएगा कि आपका लास्ट, अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, अदरवाइज अगर आप इंजॉय करना चाहते हैं, आपने सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी में इस वजह से कदम रखा है कि आप अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री ले लें, दैट्स इट, आपके लिए इनफ है, उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं चाहिए, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है.
लेकिन अगर आप चीज़ें करना चाहती हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि हाँ आप सीरियस होकर चीज़ें करें, ठीक है। बहुत सारी एक्टिविटी हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, ऑब्वियसली बहुत सारी सोसाइटीज़ होती हैं, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, लेकिन आप क्योंकि एनसीवैप के स्टूडेंट हैं तो वो थोड़ी आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। लेकिन आप इंडिपेंडेंटली अगर किसी इवेंट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, कोई कॉम्पिटिशन है उससे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी उससे प्रोवाइड करा रही है, तो आप ऑब्वियसली कमेटी से बात करके वो चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छा मौका होता है अपना जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने का। जैसे कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में डिबेटिंग सोसाइटी की मेंबर थी, तो शायद वहाँ से जो स्किल मेरी डेवलप हुई है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो आप लोग भी ये जो फ़ायदा है या फिर जो आपके पास एक मौका है उसका बहुत अच्छे से यूज़ करिए, बहुत फ़ायदा आपके लिए होगा। और हिस्ट्री के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहाँ पर आप जाकर वो लिंक देख सकते हैं। बात रही सिलेबस की, बात रही बाकी चीज़ों की, तो वो मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको सारी चीज़ें बता दी थी जब एनसीवैप का जो शेड्यूल आया था, उस शेड्यूल वाली क्लास में जो फर्स्ट कट ऑफ थी वहाँ पर मैं ये सारी चीज़ें बता चुकी थी। तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप एक बार जाइए और वहाँ पर जाकर उसके लिंक में जाकर आप अच्छे से डिटेलिंग ले सकते हैं, ठीक है। तो फिर मैं रिपीट करती हूँ, आपका आंसर राइटिंग पैटर्न पर आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 12th तक जो आपका आंसर राइटिंग पैटर्न होता है वो बहुत अलग होता है। उसके बाद जब आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में कदम रखते हैं, वहाँ पर आंसर राइटिंग करते हैं, तो उसका जो पैटर्न होता है वो बहुत डिफरेंट होता है, ठीक है। तो दोनों के पैटर्न को समझिए, दोनों के डिफरेंसेस को समझिए, इंजॉय भी करिए, अपनी पढ़ाई भी कीजिए, लेकिन दोनों चीज़ों को बैलेंस करना भी सीखिए, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर लाइफ, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग इवेंट्स। थैंक यू।